ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, अगर नहीं याद है तो हम बता देते हैं। दरअसल ये बरेली की वही तस्वीरें हैं जहां बीते 22 जून को दिन दहाड़े हुए गोलीकांड ने पूरे बरेली को दहला दिया था। जहां एक ओर ये गोलीकांड हुआ तो वहीं दूसरी ओर पुलिस घटना के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस एक के बाद एक घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने गोलीकांड के आरोपी हिस्ट्री शीटर केपी यादव और सीबीगंज क्षेत्र के बदमाश सुभाष लोधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बीते 22 जून को बरेली में एक प्लॉट को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच दिन दहाड़े जमकर फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गोलीकांड के सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और घटना के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी के होटल पर बुलडोजर चला उसे गिरफ्तार किया। तो वहीं और बीती रात मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटना के अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त केपी यादव रिठौरा और सुभाष लोधी सीबीगंज के अटरिया गांव का रहने वाला है। एसपी सिटी राहुल भाटी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि दो बदमाश कार से विलेधाम के पास से लतपुरा मार्ग की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया तो बिना नंबर की कार में सवार इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी और मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों अभियुक्तों को धर दबोचा। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। 24 को थाना इज्जत नगर में बजरंग ढाबे के पास हुई फायरिंग की घटना के संबंध में थाना पुलिस एवं एसओजी द्वारा अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस एवं एसओजी ग्राम लड़पुरा मार्ग वलय धाम को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर पहुँची। यहाँ पहले से मौजूद दो अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। इन दोनों अभियुक्तों की पहचान केपी यादव एवं सुभाष लोढ़ी के रूप में हुई है, जिन पर क्रमशः 14-9 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इनके पास से एक स्विफ्ट 2 315 बोर के मंचे बरामद किए गए हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। ऐसे में जहां एक ओर पुलिस इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।